सुना रहे हो बेटा मुझे? आवाज आ रही है? ओके, तो आज हमें पढ़ना है एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आज पढ़ेंगे कि आप कैसे सबमिशन कर सकते हैं किसी चीज का। 2 मिनट का समय दीजिए बेटा। ओके, नाउ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बेटा मैं बोलूंगा तब वैसा ही ना सर। मेरे माइक से? चलो, हमने कंडीशनल सम बता दिया था और आज हमको पढ़ना है हाइट एंड हाइट फ्रिजिंग लोज एंड कॉर्नर। देखो इसका क्या मीनिंग है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टर्न ऑन माय रिकॉर्डिंग। ठीक है, देखो, sometimes you have data in row and column which are needed for formulas or chart, but you do not want the data to be visible। क्या होता है कि हम उसको दिखाना भी चाहते हैं, बट क्या इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला चार्ट फॉर्मेट में, बट हमें ज्यादा हमारा डाटा दिखाई ना दे। A very handy feature of a spreadsheet is the ability to hide a data in row and column that is not to be shown in the plugin user। ठीक है, यूजर को ना दिखाई दे, बट अब क्या फॉर्मेट में काफी चीजों में मेंटेन रहे। द डाटा इन द हिडन रो एंड कॉलम इज अवेलेबल फॉर द कैलकुलेशन थ्रू द कैलकुलेशन थ्रू नॉट विजिबल, मतलब विजिबल तो नहीं होता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं चीजों को कैलकुलेशन में ला सकते हैं। फ्रीजिंग रो एंड कॉलम इज अनदर हेल्पफुल फीचर ऑफ स्प्रेडशीट। ये क्या होता है, वेन यू आर डीलिंग विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। When you are dealing with a huge amount of data that spans several rows and columns, you may want to headers remain constant frozen while the you scroll through the data so that you can see the identifying names in row and column। तो होता क्या है बेटा, सपोज यार जैसे मान लो कि आपके पास एक कोई डाटा है रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में, एंड आप उसको क्या कर स्क्रॉल कर रहे हो एक पेज में, तो आपके सामने क्या दिखेगा कि हाँ यहाँ क्या लिखा है, ये किसको ड्रॉप कर दिखेगा, ये किसको ड्रॉप कर दिखता रहेगा। जब सेकंड पेज में चले जाओगे पता नहीं चलेगा कि कौन से लोग उसको डिनोट कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ, कौन से लोग इसको डिनोट कर रही पता ही नहीं चलता है। जब ऐसा कभी होता है उसको क्या कह देते हैं, फ्रीजिंग कर देना। फ्रीजिंग मतलब ये आप किसी भी उस पर चला जाओ, बेटा तुझे को नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही, ओवरकम करने के लिए हम किसका कॉन्सेप्ट लाते हैं, हम लाते हैं फ्रीज का ऑप्शन लाते हैं। इसका बेटा
सीरीज का कि हमारा हेडर क्या है, हमेशा हमेशा आपके सामने एलिबल है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? हाँ प्रैक्टिकली दिखाएंगे, दिखाएंगे। अरे इतना समझ में आ रही है क्या समझा रहे, वो चीज समझ आ रही है। ओके नेक्स्ट क्या होता है, अब हम इसकी यूज कैसे करेंगे। ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट टू हाइड रो एंड कॉलम डू द फॉलोइंग। क्या क्या करना है, इन ऑर्डर टू हाइड एनी रो, देखो एक तो हो गया हाइड करना, किसी भी चीज को क्या कर देना बेटा, हाइड एच आई डी हाइड कर देना, और एक क्या होगा फ्रीज कर देना। दोनों का आंसर क्या है, हाइड में क्या होगा यूजर को क्या बेटा, हाइड में यूजर को देखेगा ही नहीं, और फ्रीज में क्या होगा देखता ही रहेगा लगातार, जब भी जब तक उस पेज में है उस पेज में उसको वो चीजें दिखती ही रहेंगी, बिना देखे उसका काम नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया आपका फ्रीज वाला फीचर, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें खोलना है एमएस एक्सेल, देखता हूँ मेरे सिस्टम में एमएस एक्सेल इंस्टॉल है या नहीं। क्यों स्टैटिक क्यों आ रहा है यार, मतलब एक्चुअली कैमरा ना लोग इतना इसको दिलाते दुलाते रहते हैं, मैंने बोला एक माइक क्या बोलूं है नहीं, यूज करने आता है ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये ना कि जो उसकी रेंज है वो रेंज कम है, जितनी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली उतनी नहीं है, कम है। तो होता क्या है जब उसको उठा के ऊपर नीचे करते हैं तो उसी में इसकी शायद हमारा यूज हो गई है, और इसीलिए आपको स्टैटिक समझ में आ रहा है। केवल मेरे साथ ही आ रहा है, हर क्लास में होता है। मेरे साथ ही हो रहा है, अच्छा तो हम भी बैठ ही पाते हैं। ओके तो अनफॉर्चुनेटली इसमें एमएस एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, तो हम इसको ऑनलाइन ही एमएस एक्सेल खोलने की कोशिश करते हैं और आपको समझने की कोशिश करते हैं। Just give me a few seconds. Okay, so आपके एक्सेल इसी टाइप के सामने आने वाले हैं। हाँ बेटा तेरे पास आई है सर, मैंने सिर्फ फोन के डिजास्टर करके चले ये मैं बेटा मैं लॉगिन कर दूँ सच्चा रहेगी। हाँ बिल्कुल नहीं रख लीजिए, अब मेरे पास कई सारे ऑप्शन आ गए हैं। एक ही ऑप्शन है,
ब्लैंक वर्कबुक आपके सामने आ गई। ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन वेरिएंट यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे अपने स्कूल की आईडी देखने को मिल रही है। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैं इस आईडी से इसमें लॉग इन कर रखा हूँ। क्लियर, वॉइस तो नहीं आ रहा बेटा किसी को? नो सर, अभी आ रहे हैं। अब नहीं आ रहा होगा, होप सो। चलो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको ओपन करते हैं एक नए टैब में। और अपनी बुक को ओपन करते हैं एक नए टैब में। ठीक है, तो एक्सेल और माई वर्क को दोनों एक साथ अगल बगल में। ठीक है, आपकी बुक ये। ठीक है, अब आपकी बुक और आपके एक्सेल सीट अगल बगल है। जो भी चीज इसमें लिखी उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको चीजें विजिबल है। नाउ अब अगर ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट टू हाइड रो एंड कॉलम विद द फॉलोइंग। इन ऑर्डर टू हाइड एनी रो एंड कॉलम यू कैन जस्ट सिलेक्ट द पर्टिकुलर रो एंड कॉलम दैट इज टू बी हिडन और जस्ट वन सेल इन द करेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, फॉर एग्जाम्पल बी3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फिल सम डाटा हियर, तो मैं यहां पे एक न्यूमेरिक डाटा डालने की कोशिश करता हूं। एक बार मैं हाइड और अनहाइड फिर से आपको बता रहा हूं। जब भी आपको किसी विंडो को हाइड या अनहाइड करना है, उसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर क्या है, फॉर्मेट में जाकर सिलेक्ट करना। मान लो कि हमें सेकेंड रो को हाइड करना है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्या किया, इसको हमने यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड अनहाइड में जाएंगे और क्या करेंगे, हाइड करना अगर रो को तो रो को हाइड कर देंगे। इस बार कॉलम हाइड करके देखते हैं। हाइड करेंगे क्या, आपने कॉलम नंबर ए, हमने क्या किया कॉलम नंबर ए को हाइड कर दिया। अब जैसा कि आपके सामने दिख रहा है क्या है, केवल हमारे पास ए और बी सी, ए इसी में बी सी डी ई एफ हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर हमें वापस से लाना तो क्या करेंगे, अनहाइड में जाएंगे और क्या करेंगे, अनहाइड कॉलम में क्लिक कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कॉलम वापस से मिल जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अभी आपको ए भी कॉलम अनहाइड करना है। मान लो हमने ए को हाइड किया था और हमें ए को अनहाइड करना था, समझो बेटा, ए को अनहाइड करना था तो हमारा सिलेक्ट होना चाहिए स्पेशल हमेशा बी में ही होना चाहिए। समझ आई बात, नहीं आई? देखो मान लो हमने ए को हाइड, मान लो हमने बी को हाइड किया, सपोज हमने क्या किया, बी के कॉलम को हाइड किया, बी को हमने हाइड कर दिया। ओके, अब हम चाहते हैं कि बी अनहाइड हो जाए। क्या हम चाहते हैं कि बी मेरा क्या हो, अनहाइड हो जाए। तो जो हमें सेल सिलेक्ट करनी है अनहाइड पे क्लिक करते समय, जो सेल सिलेक्ट करनी है वो या तो ए होगी या तो क्या होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा, ए होगा या तो सी होगा। अगर ए होने के अलावा हम मतलब ई में क्लिक करके अनहाइड हो जाए, ई में क्लिक करके हम चाहें कि अनहाइड हो जाए अनहाइड कॉलम, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है, ई को सेलेक्ट रखा है। लेकिन अगर हम सी पे रहेंगे या ए पे रहेंगे, जस्ट एडजेसेंस पे रहेंगे, क्या होगा, ये अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, होगा नेटवर्क टाइप में इशू हो सकता है ना, मैंने देखा हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। ठीक सर, ये बोलते आ गए। इस तरीके से आप हाइड और हाइड कर सकते हो। ठीक, चलो यस सर, हो गया। अब फ्रिज का बात करते हैं, फ्रिज का ऑप्शन देखते हैं। इन ऑर्डर टू फ्रिज रो एंड कॉलम क्लिक ऑन द फ्रिज पैनल, ऑप्शन अवेलेबल अंडर द विंडो
अंडर विंडो ग्रुप इन व्यू टैब, तो हमें कहाँ जाना है, व्यू टैब पे जाना है और फ्रिज पैनल को सिलेक्ट करना है। अब देखते हैं कि हमारे लेटेस्ट वर्जन में चीजें कहाँ अवेलेबल होती है। हमें कहाँ जाना है बेटा, व्यू टैब पे जाना है और कहाँ पे जाना है, फ्रिज पैनल पे जाना है। तो फ्रिज पैनल में हमारे सामने तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, फ्रिज पैन टॉप रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर मान लो मेरे पास कुछ एक ऐसी रो होती तो पोस्ट है, मान लो ये होगा हिंदी, ये होगा इंग्लिश, ये हो गया मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर। अगर कुछ ऐसा होता और हम क्या चाहते हैं, देखो अभी अगर स्टॉप हो गया है और हम ये चाहते हैं कि हमारा रिमेन रहे सेम, जैसे कि देखो हम नीचे की ओर पढ़ेंगे, यहाँ नीचे की ओर पढ़ेंगे तो वो चीजें देखो गायब हो गई। अब मान लो मैंने मार्क्स लिख दिया देखना 55, अब कैसे पता चलेगा कि मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं, इसीलिए किसका ऑप्शन आता है, इसीलिए ऑप्शन आता है हमारे पास फ्रीज का। तो हम बाहर जाएंगे व्यू में, फ्रीज करेंगे क्या, फ्रीज कर देंगे टॉप रो को, टॉप रो को हमने क्या किया, फ्रीज कर दिया। तो अगर अब हम अगर नीचे स्लाइड करते हैं तो क्या होगा, ऊपर वाली चीजें रिमेन रहेंगी सेम। अब समझ में आया फ्रीज का कॉन्सेप्ट, देखो कंफ्यूज बता रहे, बिल्कुल बता रहे। ये आपके सामने टाटा फिल्म था, ये सामने आपके साथ टाटा फिल्म था, ठीक है, ये चीजें आपके सामने टाटा फिल्म था। आपने क्या किया कि आप लोग नीचे गए, नीचे जाते गए, जैसे मैंने स्लाइड किया नीचे, अब क्या है 23 के लिए डाटा नंबर 23 के लिए हमारे पास क्या है, हमें बता सकते हो क्या कि हिंदी है कि इंग्लिश है कि मैथ है कि फिजिक्स है कि साइंस है कि क्या है, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि इसके सामने जो ऊपर लिखा हुआ था वो क्या है, वो तो स्लाइड के ऊपर चला गया, मतलब नहीं ये जो हेडर था ये तो स्लाइड के ऊपर चला गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या लिखा है। इसी के लिए फ्रीज का ऑप्शन कौन सा करता है, जब हम फ्रीज में जा करके फर्स्ट रो को, फ्रीज टॉप रो को क्लिक कर देंगे तो क्या होगी, फर्स्ट रो हमारी हमेशा रिमेन सेम रहेगी, चाहे यहाँ चले जाए। अगर हम 23 के रिकॉर्ड में आए तो सामने क्या लिखा रहेगा, रो वन क्या होगा, उसके सामने भी दिखती रहेगी, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन से मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं। क्लियर? यस सबको, तुम अकेले पढ़ रहे हो, बाकी लोग कहाँ हैं? यस सर। अच्छा चलो ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर आया, समझ में आया फ्रीज रो क्या होती है, हम कैसे फ्रीज करेंगे। अब अनफ्रीज करना भी देख लो, अनफ्रीज कैसे करना है, अनफ्रीज में आपको सिंपली जाना है कहाँ, जैसे सिंपली जाना है व्यू में, व्यू में आपको मिलेगा फ्रीज पे, फ्रीज पेंस, वहां आपको क्या करना है अनफ्रीज, सीधा अनफ्रीज करने पे क्या हो जाएगा, ये चीजें अनफ्रीज होंगी। देखो क्या है, यहाँ पे इस मार्क से सामने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसके सामने ब्लैंक है, ठीक, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये आपकी एक्टिविटी हो, ये आपकी एक्सरसाइज आपके होमवर्क में भी रहेगी, ठीक है, आपको इस तरीके रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़ो और कोई डाउट हो तो पूछो। करना क्या आपको, जैसे आज मैंने मशीन में जैसे आज भेजा था ऐसे भेज देना, क्रिएट अ वर्कशीट गिवन बिलो, वीडियो क्या बनाओ, एक्सेल में सीट बनानी है, सिंपल एक एक्सेल सीट बनाने का वीडियो क्या है, क्रिएट अ वर्कशीट गिवन बिलो, कीप योर कर्सर ऑन B2, वेयर इज B2, हियर इज B2, देन ट्राई ऑल द ऑप्शन ऑफ फ्रीजिंग सेल्स एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट, टेक स्पेसिफिक नोट ऑफ कॉलम एंड रो मूवमेंट, सेव द वर्कशीट एज एक्सेल, ठीक है, इसके आगे अपना नाम लिख लेना, इस तरीके से आपको करके देना, यही आपका होमवर्क है, ओके। यस सर। चलो जस्ट अ सेकेंड।